चलो देखो बेटे, तो सोलेनोइड विल बी लाइक दिस, सी हियर, ऐसी समझ में आ रहा है, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा है बिकॉज द डायग्राम गेट्स सो मच कॉम्प्लिकेटेड। समझ में आ रही बात? तो इसका मैंने एक दूसरा डायग्राम बनाया आपको, यानी कि ये आप ऐसे ले सकते हो, ये एक कोर है, बाद में इसे रेज कर देंगे, तो ये इस तरीके से, अब समझ में आ रहा होगा। This is a solenoid and finally it will be connected with an EMF source or the potential difference, होगा ना? Because उसके बिना तो करंट जाएगा ही नहीं इसके पास, जाएगा क्या? चलो और बड़ा हो गया, अब इसको तोड़ देते हैं। तो here यहां से ये बाहर जा रहा है और यहां से ये आ रहा है, अब तो क्लियर समझ में आ रहा है। Now it's connected with an EMF source. तो क्या होगा बेटे, इसमें से एक करंट जा रहा है, यहां से करंट ऐसे जाएगा, फिर इसके अंदर गया, फिर यहां से बाहर आएगा तो करंट फिर इसमें ऐसे, फिर इसमें करंट ऐसे, तो हर एक वायर में करंट जो तुम्हें दिख रहा है सब में करंट ऐसे आ रहा होगा और उसके बैक साइड में सब में करंट ऊपर के लिए जा रहा होगा। कोई डाउट? अब देखो बेटे, हमने पीछे पढ़ रखा है कि अगर इसमें करंट ऐसे जाए बेटे इस तरीके से, जब उसका उल्टा करंट ऐसे जाए, तो ये फेस जो होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा? ऐसे बनाएंगे, सॉरी ऐसे बनाएंगे, समझ में आ रहा है ना? कैसा दिखा बेटे ये? साउथ पोल। तो यानी ये फेस कैसा दिखेगा? साउथ पोल। समझ में आ रहा है? और ये फेस कैसा दिखेगा बेटे? नॉर्थ पोल। क्लियर? अगर ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल है बेटे, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस, क्योंकि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे निकल रहा है, निकल रहा है ना, है नहीं? yes. और ये ऐसे घूम करके इसके पास पहुंचेगा, पहुंचेगा या नहीं? yes, ये ऐसे घूम करके यहां पहुंच रहा है। कोई डाउट है बेटे? कारण क्या है बेटे? क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट टेक साथ टर्न, यानी यहां से निकला और ये यहां से ऐसे मुड़ जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, दे कैन नॉट टेक शार्प टर्न, ठीक है? तो दिस विल बी द स्मूथ कर्व्स। तो स्मूथ कर्व्स में जो उसकी कर्लिंग होंगी बेटे, बिल्कुल स्मूथ होंगी। समझ में आ रही बात? आराम आराम से मुड़ेगा। तो हियर B will be equal to zero, होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि कोई भी लाइन्स ही नहीं है यहां पे, क्योंकि लाइन्स आर अब्सेंट। फिर से समझाऊं बेटे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? द नंबर ऑफ लाइन्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। तो हियर इज नो लाइन्स बेटे, हियर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर बेटे, ये जितने आप टर्न देख रहे हो बेटे, ईच टर्न विल बिहेव एज, जैसे ये नॉर्थ ये साउथ, फिर इसका ये वाला ये नॉर्थ ये साउथ, इसका ये वाला ये नॉर्थ ये साउथ, यानी कि जितने टर्न हैं उतने एलिमेंट्री मैग्नेट हैं। तो जो लाइंस यहां से निकल रही है या फिर जो लाइंस यहां से इन कर गई बेटे, इसके अंदर भी उतनी ही लाइंस रहेंगी, रहेंगे या नहीं? अब तुम खुद ही सोचो बेटे कि नंबर ऑफ लाइंस रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन साइड दिस सोलेनोइड। तो हर जगह पे अगर आप काउंट करो फील्ड इंटेंसिटी, तो एरिया भी उतना ही, नंबर ऑफ लाइंस भी उतना ही। तो बी का मतलब क्या है बेटे? नंबर ऑफ लाइंस डिवाइडेड बाय एरिया, है या नहीं? इसका मतलब नंबर ऑफ लाइंस यहां पे बात करें 10, एरिया ए तो 10 बाय ए, यहां पे बात करें तो 10 बाय ए, यहां पे बात करें 10 बाय ए, यहां पे बात करें 10 बाय ए, यानी कि इनसाइड फील्ड
बी यूनिफॉर्म होगा या नहीं होगा, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, पर समझ में आ रहा है ये सारा चीज। अब मुझे ये पता करना, इतना पता चल गया कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी दैट विल बी यूनिफॉर्म जस्ट आउटसाइड यानी ऑन द लेटरल सरफेस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी जीरो। ये सारा चीज समझ में आ गया। अब मुझे पता करना है कि यार ये फील्ड होगी कितनी, यानी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी, ये मुझे काउंट करना। क्लियर? आप खुद ही सोचो बेटे, एक सर्कल के कारण क्या मैग्नेटिक फील्ड नहीं जानते हम? जानते हैं। तो सपोज करो कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है आपको, तो इस टर्न से इसका डिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो है, यानी कि इसके सेंटर पे बोलोगे, बट इसके एक्सियल लाइन पे है, इसके साथ तो सेंटर पे नहीं है ना, तो इससे अगर x डिस्टेंस पे है तो इससे x डैश डिस्टेंस पे, इससे x डबल डैश डिस्टेंस पे, इससे x ट्रिपल डैश डिस्टेंस पे, यानी सबसे अलग अलग है। तो मैं अगर उसका इंटीग्रेशन करना चाहूं तो काफी लंबा सा चलेगा इंटीग्रेशन। उसी से बचने के लिए क्या है बेटे, एम्पेयर सर्किटल लॉ। समझ में आ रही बात? क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए समझा। तो मुझे एम्पेयर सर्किटल लॉ को अप्लाई करना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक एम्पेरियन लूप लेना होगा, होगा ना? तो चलिए, तो मैंने एम्पेरियन लूप लिया ऐसा, दिख रहा है ये डॉटेड लाइन, इसका नाम रख देते हैं पी क्यू आर एस। कोई डाउट? अब तुम सोचो कि मैंने ऐसा ही लूप क्यों लिया? क्लियर? अब मैंने ऐसा ही लूप क्यों लिया? मैं ऐसा भी तो ले सकता था ना, सर्कल वाला ऐसा लूप ले लेता, नहीं ले सकता था? देख बेटे, ये भी तो एक लूप है ना, ऐसा लूप ले लेते, ऐसा ले लेते, ये भी क्लोज लूप है। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमें सिमेट्रिकल लूप लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन करना हमारे लिए क्या हो, इजी हो। अब आप खुद ही सोचो बेटे, पी पे इस पे इस पे इस पे इस पे इस पे, यानी इस यहां से लेकर पी से लेकर के क्यू तक हर एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, सेम है बी। फिर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और डीएल का डायरेक्शन दोनों कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, जीरो डिग्री का। इस केस के लिए अगर मैं बात करता तो यहां पे बी का डायरेक्शन डीएल का डायरेक्शन दोनों सेम है, लेकिन यहां पे क्या होता, बी का डायरेक्शन इधर डीएल का डायरेक्शन इधर होता है, यानी तो बेटे एंगल भी वेरिएबल हो गया ना, तो दो दो वेरिएबल्स दिखेंगे। फिर मैं ऐसा अगर बनाऊंगा तो यहां पर तो बी जीरो, यहां पर बी जीरो बोल सकते थे, यहां पर भी क्या बी जीरो बोलेंगे, ये तो इसके लेटरल सरफेस से काफी दूर हो गया ना, तो इसीलिए हमने ऐसा लूप लिया। एनी डाउट? ब्रीफिंग समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं बेटे, रखो क्लियर। चलिए अब देखते हैं बेटे, एम्पेयर सर्किटल लॉ लगाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एसीएल यानी एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या है बेटे, बी डॉट डीएल का लाइन इंट्री That must be equal to mu naught into I total. समझ में आ रहा है नहीं? क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो देख बेटे, B into DL into cos of theta. यही तो बोलेंगे? That is equal to mu naught into I. I total मतलब जितना टोटल करें उसको थ्रेड कर रहा है। कोई डाउट? चलो अब जीरो से लेकर के पी क्यू आर एस समझ में आ रहा है ना, इतने लेंथ के लिए आपको इंटीग्रेट करना है। जैसे उधर आप क्या करते थे, जीरो से टू पाई आर के लिए इंटीग्रेट कर रहे थे, तो यहां पर इतने के लिए इंटीग्रेट कर रहे थे। मान लेते हैं बेटे कि ये जो रेक्टेंगुलर आपने एम्पेरियन लूप लिया है, इसकी लेंथ कितनी है, एल है, और इसकी विड्थ कितनी है बेटे, स्मॉल बी। इसकी लेंथ कितनी मान ली मैंने, एल, और इसकी विड्थ कितनी मान ली, बी। जरा देखो बेटे, क्या बी और डीएल का बिहेवियर पूरे लूप पे एक जैसा है क्या?
नहीं देखो बेटा, P से Q तक अगर हम बात करते हैं तो B का डायरेक्शन DL का डायरेक्शन दोनों सेम है, लेकिन Q से R तक की बात करें बेटे तो B का डायरेक्शन और DL का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। मैं R से S तक की बात करूं तो B का डायरेक्शन और DL का डायरेक्शन दोनों एंटी पैरेलल है ना, तो हम इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे, यानी पार्ट पार्ट में इंटीग्रेट करेंगे। किस तरह से ये देखो, तो B डॉट DL इंटू कॉस ऑफ थीटा कहां से कहां तक, P से Q तक, बहुत अच्छे बेटे। फिर B डॉट DL डॉट कॉस ऑफ थीटा कहां से कहां तक, Q से R तक। फिर बेटे B डॉट DL cos of theta कहां से कहां तक, R से S तक। और फिर प्लस B डॉट DL cos of theta कहां से कहां तक, S से R B तक। ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट। जरा देखते हैं बेटे, P से Q वाला टर्म यहां से यहां तक, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B, cos theta कितना, cos of 0 degree into dl integration, समझ में आ रहा है। P से Q तक सोचो बेटे, तो 0 से लेकर के L तक होगा या नहीं। अरे P से Q तक कितना लेंथ होगा, L फिर प्लस देखो बेटे B into cos of theta Q से R में, देख बेटे Q से R में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, तो cos of 90 डिग्री इंटीग्रेशन ऑफ dl 0 से लेकर के b तक होगा या नहीं होगा, फिर से समझाओ बेटे। प्लस इस पार्ट में b की वैल्यू कितनी, 0। r to s के लिए बात कर रहे हैं, तो और जस्ट आउटसाइड ऑन द पेरिफेरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, पहले यही सब चीज तो समझाया आपको, क्योंकि यही सब जाने इस डेरिवेशन का। एनी डाउट, तो B की वैल्यू कितनी, 0 cos of 180 डिग्री इनटू DL का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से लेकर के L तक, समझ में आ रहा है यानी। प्लस P से यानी S से P तक, देखिए तो ये हो गया बेटे B इनटू cos of 90 डिग्री इनटू इंटीग्रेशन ऑफ dl कहां से, 0 से लेकर के L तक, समझ में आया। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं ये टर्म, ले लिया b इनटू l, बाकी 0 0 0 कर देता है। एग्जामिनर यही ढूंढना चाहेगा भैया, क्या आप इसे 0 क्यों कर रहे हैं, आ रहा समझ में यानी। चलिए यहां पर हो गया बेटे b इनटू cos 0 1 इनटू dl का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटे, l, ये हो गया। प्लस अब लिख सकते हैं इसे 0, क्योंकि cos 90 कितने के बराबर है बेटे, 0, तो आइदर ऑफ द वन मल्टीप्लिकेशन अगर 0 हो रही है तो पूरा ही 0, तो ये हो गया 0। प्लस ये हो गया बेटे 0, प्लस ये वाला टर्म कितना हो गया 0, तो यानी इस वाले पार्ट का हमने कर लिया सॉल्यूशन, समझ में आ रही बात। और ये सब किसके बराबर है, म्यू नॉट इनटू आई टोटल, किसके बराबर है, म्यू नॉट इनटू आई टोटल, ये किसके बराबर है, म्यू नॉट इनटू आई टोटल। अब जरा हमें अपने आप को कंसंट्रेट करना है बेटे, किस चीज पे कंसंट्रेट करना है, कि आई टोटल कैसे निकालेंगे, समझ में आ रहा है। आई टोटल बेटे नंबर ऑफ लाइंस नहीं, नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, क्लियर। ये देखो मान लेते हैं बेटे कि टोटल लेंथ कैपिटल L और टोटल नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना बेटे, कैपिटल N, तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, N बाय L, जिसे डिनोट कर सकते हैं हम स्मॉल n से, किससे डिनोट कर सकते हैं बेटे, स्मॉल n से। तो बेटे P से लेकर के Q तक इतने लेंथ में कितने टर्न हैं,
जरा समझने की भी कोशिश कर, ये देख बेटे ये चार वायर है ना, और ये आपने ऐसे बनाया हुआ है, ये जो एम्पेरियन लूप बनाया हुआ है वो ऐसे बनाया हुआ है। तो अगर चार वायर इसमें घुस रहे हैं तो इस लूप को कितने चार वायर थ्रेड कर रहे हैं, सब में करंट का डायरेक्शन क्या है सेम है, तो टोटल करंट कितना होगा आई टोटल 4i। तो अगर मैं नंबर ऑफ टर्न निकाल लेता हूं इतनी दूर में कितना है और एक टर्न में कितना करंट जा रहा है आई, यानी हर टर्न में कितना करंट जा रहा है आई, तो टोटल करंट पता चल जाएगा या नहीं पता चल जाएगा, बस यही चीज कर रहा है बेटा। ठीक है, तो ये देखो, सो नंबर ऑफ टर्न इन एल लेंथ समझ में आ रहा है, दैट इज पासिंग थ्रू द एम्पेरियन लूप, यही ना, एल लेंथ में जितने टर्न होंगे बेटे वो सब के सब इस एम्पेरियन लूप को क्या करेंगे बेटे क्रॉस करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू बेटे एन इंटू एल, हो गया नहीं, पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन है तो एल लेंथ में कितना होगा, क्लियर, कोई डाउट है बेटे। सो टोटल करेंट थ्रेडिंग द एम्पेरियन लूप दैट विल बी इक्वल टू जितने नंबर ऑफ टर्न थे इनटू करेंट इन वन टर्न कितना था, दैट इज एन इंटू एल इंटू आई, होगा या नहीं, दिस इज योर टोटल क्लियर। यहां पर सिर्फ यही एक चीज तो नहीं पता था ना आपको, तो ये फॉर्मूला लिखे बेटे, तो बी इंटू एल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू एल इंटू आई, तो एल से ये एल कट गया, तो बी इक्वल टू कितना हो गया बेटे म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। फिर से समझाओ, क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई डाउट, क्लियर। अब इफ एक कंडीशन, अभी तक हमने क्या दिया कि इसके अंदर कोई मटेरियल नहीं है, जबकि जनरली क्या होगा बेटे सोलेनोइड के अंदर क्या करते हैं हम कुछ मटेरियल डालते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ताकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहे ज्यादा रहे इंक्रीज्ड वे में रहे। तो इफ अ मटेरियल ऑफ परमियबिलिटी म्यू आर क्या बेटे इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनोइड, समझे बेटे, तो याद करो इलेक्ट्रोस्टेटिक्स क्या था वहां पे कंडीशन बेटे एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, यही तो होता था, यहां पर भी ऐसा ही है, क्लियर, कि म्यू एम अपॉन म्यू नॉट दैट इज इक्वल टू म्यू आर, समझ में आ रही बात। तो मीडियम की परमिटिविटी, अभी एयर था तो एयर की परमिटिविटी डाल रहे हैं, अब मीडियम की परमिटिविटी डाल रही, तो म्यू एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे म्यू नॉट इंटू म्यू आर, समझ में आ रहा है, तो यहां पर बी जो हो जाएगा बेटे वो हो जाएगा म्यू नॉट की जगह पे ये म्यू एम डाल देंगे क्योंकि मीडियम डाल रखा है आपने, समझ में आ रही बात, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एम इंटू आई, ये था बेटे क्या बहुत मुश्किल है, चल कॉम्प्लीट।